गाइस 2024 के लिए यामाहा ने अपनी मोस्ट ऑपरेटेड बाइक यामाहा R3 को फिर से लॉन्च कर दिया है। इस बाइक की कीमत 4.65 लाख रुपीज़ रखी गई है। गाइस आपको बता दें, यामाहा R3 का मुकाबला कावासाकी निंजा 300, KTM RC390 और एप्रिलिया RS457 से होगा। कंपनी यामाहा R3 को कंप्लीट बिल्ट यूनिट यानी CBU रूट के जरिए बेचेगी। बता दें कि YZF R3 पहले भी भारत में बेची जाती थी, लेकिन एमिशन नॉर्म्स के कारण और उसमें बदलाव होने के कारण इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। यामाहा R3 के डिज़ाइन की बात करें तो कंपनी ने इस बाइक को डायमंड टाइप ट्यूबलर फ्रेम पर डेवलप किया है। यामाहा YZF R3 एक फुल फेयरिंग रेसिंग बाइक है। इसके अलावा डिज़ाइन के मामले YZF R3 काफ़ी हद तक R15 जैसे दिखती है। इस पर लंबी विंडो स्क्रीन, LED हेडलाइट, फुल फेयरिंग और मस्कुलर फ्यूल टैंक दिया गया है। गाइज इस बाइक में राइडर को डाउन राइडिंग पोजिशन मिलेगी। यामाहा R3 के इंजन की बात करें तो इसमें 321cc का पैरेलल ट्विन लिक्विड कोल्ड इंजन दिया गया, जो 42 HP की पावर और 29.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। मोटरसाइकिल में 14 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। यामाहा R3 में ऑल LED लाइटिंग, LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए। इस बाइक में कम्फर्ट राइडिंग के लिए USD फ्रंट, अपसाइड डाउन फोक्स और रियर में एक मोनोशॉक सस्पेंशन यूनिट दी गई है। ब्रेकिंग के लिए यामाहा R3 में ड्यूल चैनल ABS के साथ दोनों व्हील पर डिस्क ब्रेक मिलते हैं। अगर बात करें इसकी वजन की तो R3 का वजन है 170 किलो के अप्रॉक्स। कुल मिलाकर देखा जाए तो यामाहा R3 अपनी मौजूदा कीमत पर KTM RC390 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। वही इस बाइक की एप्रिलिया RS457 के ओपोनेंट के रूप में देखा जा रहा है। अभी हाल में ही एप्रिलिया RS457 लॉन्च की गई है। तो गाइज अगर आप 300 से 400 cc के बीच में बाइक लेना चाहते हैं तो यामाहा R3 फिर से इंडियन मार्केट में आ चुकी है और ये काफ़ी अच्छी बाइक है। KTM के मुकाबले तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है। गाइज अगर आप 300-400 cc के बीच में बाइक लेना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन मिल चुका है। आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।